से ये पूरा डीप, क्योंकि जब पानी भरता है ना तो पूरा ये लेवल तक पानी आ जाता है, और जो हमारा बोर वो कंडे के प्रोग्राम देखें। ये ऐसा समय है, अपने आप को कूल रखे, काम रखे, पेशेंस रहे, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि जैसे प्रशासन बोले घर पे रहें पर फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये सबका पालन करें, हाथ वगैरह निरंतर धोए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे और धैर्य रखे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो एक ना एक दिन ये भी निकल जाएगा। जी हाल ही में मैं अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे के वर्ल्ड कप खेल के आई, जो कि वहाँ पे मेरे को फर्स्ट मैच में ही मेरे को इंजरी हो गई थी। तो मेरे को बेंगलोर के रिहैब सेंटर जाना था, पर वहाँ पे लॉकडाउन के कारण मैं नहीं जा पाई। तो मेरे जो भी वहाँ पे ट्रेनर्स हैं मेरे को प्रोग्राम दिए, पहले में से वो पूछे आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो मैंने बताया कि सर लॉकडाउन के कारण तो मेरे पास खाली सिलेंडर, जैसे चावल की बोरियाँ हो गई, और छोटे छोटे जो घरेलू डंबल्स बनाए गए थे वो थे। तो उन्होंने फिर उस प्रकार को मेरे को रिहैब दिया, तो अभी मैं वही रिहैब कर रही हूँ। और अभी एक दो हफ्ते में मैंने उनको फिर बताया कि सर अब जो मेरे को इंजरी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, अभी घर में मैं सिलेंडर वगैरह जो जो आपने मुझे वर्कआउट दिया था उससे काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो फिर उस हिसाब से वो मेरे को आगे की बोले, अब अपन बॉलिंग की बात करते हैं। तो फिर बॉलिंग के लिए मेरे को जो राजस्थान रॉयल्स के जो स्टीफन हैं उनसे उन्होंने मेरी बात कराई, अभी मेरी उनसे बात चल रही है। तो ऑनलाइन उनसे मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो मेरे को शेयर करते हैं कि घर में आप हो तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। फिर मेरे को उनको करके उनको बताना पड़ता है कि सर ये किया था मैंने, मुझे अच्छा लगा, फिर उस हिसाब से वो मुझे अपडेट करते रहते हैं। वो
कब तक का करती हो, सुबह शाम? मॉर्निंग में मेरा एक्चुअली फिटनेस वर्क रहता है, कभी फिटनेस तो कभी योगा तो कभी रेस्ट। इवनिंग जो मेरा रहता है वो स्किल वर्क रहता है। और अभी जो है देश में जो है कोरोना महामारी से लेकर जो लोग परेशान हैं और जो प्रशासन लॉकडाउन किया हुआ है सोशल डिस्टेंस, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये ऐसा समय है, अपने आप को कूल रखें, काम रखें, पेशेंस रहें, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि जैसे प्रशासन बोली घर पे रहें पर फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये सबका पालन करें, हाथ वगैरह निरंतर धोए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और धैर्य रखें। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो एक ना एक दिन ये भी निकल जाएगा। अभी कब तक आपने कितने मैचेस खेले हैं और कैसा अनुभव रहा अभी तक का? अब तक मैं 14 से 16 T20 मैचेस खेले हैं और 7 वनडे खेले हैं। अनुभव काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा टाइम एक्चुअली मेरा क्रिकेट से बाहर ही रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने डेब्यू किया उसके बाद मेरा नी इंजरी हो गया, जिसके कारण मुझे मैचेस में कम खेल पाई। पर जितना भी मैंने मैचेस खेला काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो ये था कि ऊपर का लेवल मुझे एक बार देखना था क्या है कैसा है, क्योंकि शहडोल आप देख रहे हैं यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी कम हैं। तो वो लेवल देखने के बाद अब मुझे पता चला है कि मेरे को वहाँ पे निरंतर बने रहने के लिए मेरी जो मेहनत है अब दोगुनी होनी चाहिए। क्योंकि आप आदिवासी बाहुल क्षेत्र से हैं, महिला भी हैं, तो आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? क्योंकि यहाँ से लोग जल्दी नहीं निकल पाते हैं और कई तरह की अड़चनें सामने आती हैं आपके साथ, किस तरह की अड़चनें आई, कौन आपको ज़्यादा सहयोग किया? शुरुआती दिनों में मेरे जो सेक्रेटरी हैं शेडोल डिवीज़न के, मिस्टर अजय द्विवेदी, कोच आशुतोष श्रीवास्तव और सोनू रॉबिन्सन, ये 3 लोग ने मेरी काफ़ी मदद की। एज अ वोमेन होते हुए भी वो कभी मेरे को ये नहीं देखे कि लड़की है, क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पे एक भी लड़की नहीं है। तो उन्होंने मेरे को हमेशा सहयोग दिया कि आप क्रिकेट खेले। उन्होंने जब भी ऐसे घर पे मैं रहती थी, मन करता था कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, वो मेरे को फ़ोन कर करके बुलाते थे, क्या हुआ, ये मैचेस आने वाले हैं, आप आओ, जिसके कारण तीनों का बहुत ही अच्छा सहयोग था। फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस देती गई, तो फिर MP लेवल पे आने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा हद तक आप पैसे अर्न करने लग गए, तो आपकी जो सुविधाएं हैं, जूते हो गए, आपके बैट हो गए, आपकी नीजी किट हो गई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिर सेटल होते गया, तो फिर काफ़ी अच्छा रहा। क्रिकेट में 3 चीज़ है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों में आप ज़्यादा खेल किस पर इंटरेस्ट है क्रिकेट मेरे को स्टार्टिंग में बैटिंग में था, क्योंकि आप TV पे देखोगे तो बैट्समैन ही डोमिनेट करते हैं। तो मेरा भी ये था कि एक दिन मैं भी भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज की, तो मेरा वीरेंद्र सहवाग मेरे इंस्पिरेशन थे। फिर उसके बाद जब मैं क्रिकेट में आई तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी, 13-14 साल, 13 साल में मैंने MP खेला था। तो उस टाइम मैं बाउंसर मारती थी, तो झूलन गोस्वामी के अलावा मेरे बाउंसर थे, तो एक कोच ने मुझे बोला कि आप बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, आप जल्द ही इंडिया खेल जाओगे। तो फिर उसके बाद फिर मैं बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देने लग गई। फेवरेट शॉट्स कौन सा है आपका बैटिंग में? फेवरेट शॉट मेरा कवर ड्राइव है।